गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस समरी ऑफ चैप्टर 11 द प्रपोजल फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट. द प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेको. लेट्स डिस्कस द करेक्टर्स फर्स्ट. इन दिस चैप्टर देर आर थ्री मेन करेक्टर्स. नंबर वन इज स्टेपन स्टेपनोविच शुभको. ही इज ए लैंड ओनर एंड द फादर ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड नातल्या. वह एक जमींदार है और पिता है एक युवा लड़की का, जिस लड़की का नाम है नातल्या. नातल्या शी इज ए यंग गर्ल. नातल्या कौन है? युवा लड़की है. शी इज फ्यूसी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. फ्यूसी मीन्स क्या है? बात का बतंगड़ बनाने वाली, दिल का ताड़ बनाने वाली. आर्ग्यूमेंटेटिव झगड़ालू कह सकते हैं, विवाद प्रिय कह सकते हैं. इस तरह की वह लड़की है, छोटी बात को बड़ी बना देती है और झगड़ालू है. इवान वैसिलेविच लोमोव. नेक्स्ट करेक्टर है इवान वैसिलेविच लोमोव. ही इज ए यंग मैन हु विशेज टू मैरी नातल्या. कौन है? एक युवा व्यक्ति है जो कि चाहता है नातल्या से शादी करना. ही इज ऑल्सो वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. वह भी बहुत ही विवाद प्रिय है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, तर्क वितर्क करने वाला है. एंड स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंटेशन जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो नहीं होती है झगड़ा करना, बट जो ये इनकी क्वालिटी कहेंगे हम, तीनों करेक्टर्स में इस प्ले में है. तीनों करेक्टर्स प्ले में एक समान है. किस में? आर्ग्यूमेंटेशन में, वाद विवाद करने में. विवाद प्रिय हैं, मीन्स झगड़ालू हैं. नाउ लेट्स टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले. द प्ले द प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले. प्रपोजल क्या है? वन एक्ट प्ले है. दैट बिगिंस विद ए यंग मैन, जो कि एक युवा व्यक्ति के साथ शुरू होता है, लोमो. और वो युवा व्यक्ति कौन है? लोमो. प्रेजेंटिंग ए मैरिज प्रपोजल, जो कि प्रस्तुत करता है एक शादी का प्रस्ताव. टू हिज नेबर्स डॉटर, अपने पड़ोसी की बेटी को. बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे इट टू द गर्ल, इससे पहले कि वह वास्तव में इसको कन्वे कर पाता, बता पाता उस लड़की को. किस चीज़ को कन्वे कर पाता? प्रपोजल को, मैरिज प्रपोजल को. दे एंटर इंटू एन आर्ग्यूमेंट, वो एक झगड़े में पड़ जाते हैं, झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं. अबाउट ऑक्शन मीडोज, किसके बारे में झगड़ते हैं? ऑक्शन मीडोज, ये नाउन है, जगह का नाम है. ऑक्शन मीडोज प्रॉपर्टी है, खेत है, फील्ड्स हैं, उस जगह का नाम है. सुबको द लेडीज़ फादर ऑल्सो ज्वाइन द हीटेड डिस्कशन. सुबको, जो कि इस लेडी का क्या नाम बताया था? नातल्या. उसके पिता हैं, वो भी उनकी जो हीटेड डिस्कशन है, जो आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को गुस्से में झगड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उस डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं. आफ्टर द एंड दिस, और जैसे ही उनकी ये डिस्कशन ख़त्म होती है, किसके बारे में? ऑक्शन मीडोज के बारे में, उसके ऊपर झगड़ रहे हैं, उसके बारे में जैसे ही सब खत्म होता है, दे एंटर इंटू अनदर आर्ग्यूमेंट. क्या होता है? दूसरी झगड़े में पड़ जाते, दूसरा झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं. अबाउट द डॉग्स, किसके बारे में? उनके डॉग्स के बारे में. एंड विच वन इज बेटर देन द अदर, कि किसका जो डॉग है, कौन सा डॉग है वो ज़्यादा अच्छा है दूसरे की बजाय, इस बात पर वो झगड़ते हैं. इन द मिडस्ट ऑफ दिस, और इस सब के दौरान, प्रपोजल गेट्स फॉरगॉटन, और जो प्रपोजल है, जो शादी का प्रस्ताव है, उसे भुला दिया जाता है. Until Lomo falls off due to palpitation, and Shubhko instantly puts her daughter's hands in Lomo's. जब तक लोमो है वो गिर नहीं जाता है पैल्पिटेशन की वजह से. उसे बीमारी है, उसका दिल है, वो धड़कना शुरू कर देता है तेज तेज, घबराहट उसे हो जाती है और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है. और ऐसा होकर के वो गिर जाता है. शुभको फटाफट अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देता है, लोमो के हाथ में, मीन्स उनकी शादी करा देता है. अनफॉर्चुनेटली द क्वारलिंग स्टिल कॉन्टिन्यूस, और दुर्भाग्य की बात है कि शादी हो जाती है, झगड़ते झगड़ते झगड़ा अब भी कॉन्टिन्यू चलता रहता है. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी. समरी ऑफ द प्ले. व्हेन द प्ले बिगिंस वी सी दैट लोमो कम्स टू मीट शुभको एट हिज हाउस. जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लोमो है वो आता है शुभको के घर पर उससे मिलने के लिए. शुभको हु इज ए फार्मर वेलकम्स लोमो. शुभको जो कि एक किसान है वो वेलकम करता है लोमो का, स्वागत करता है घर आने पर. ही आस्क्स हिम
वाई ही इज वियरिंग फॉर्मल क्लॉथ्स, और वह उससे पूछता है ही कौन है, यहाँ पर ही है शुभ को और हिम कौन है लोमो, शुभ को है वो लोमो से पूछता है कि उसने ये पार्टी वाली ड्रेस फॉर्मल ड्रेस अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, एंड वेदर ही इज गोइंग टू अटेंड ए फंक्शन, और उससे पूछता है कि क्या तुम कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो उसकी ड्रेसिंग सेंस को देख करके, तब पूछा गया है लोमो से सुबको के द्वारा। लोमो रिप्लाइज दैट ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, लोमो उत्तर देता है कि वह कहीं नहीं जा रहा है, ही हैज कम ओनली टू मीट हिम, वह केवल उससे मिलने आया है। यहाँ पर ही कौन है, ही लोमो, और हिम कौन है शुबको। लोमो अपीयर्स एक्साइटेड एंड परटर्ब्ड, अब लोमो बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा है, बहुत अधिक खुश दिख रहा है, थोड़ा घबराया हुआ नर्वस सा हो जाता है, बहुत ही उत्तेजित है। ही कम्स हिमसेल्फ डाउन एंड बिगिन्स टू टेल हिम द पर्पज ऑफ हिज विजिट, वह अपने आप को शांत करता है लोमो, जो कि हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है, थोड़ा सा उतावला ज़्यादा हो रहा है, वह अपने आप को शांत करता है और फिर बताना शुरू करता है कि वो उसका वहाँ आने का पर्पज क्या है। ही टेल्स हिम दैट ही केम टू हिम मैनी टाइम्स इन द पास्ट ऑल्सो, वह उसे बताता है, सीधा डायरेक्ट नहीं बता रहा वो किस लिए आया है, बातें घुमा फिरा करके स्टार्ट करता है। वह उसे पहले कहता है कि वह कई बार पहले भी उनके यहाँ पर आ चुका है, फॉर हिज हेल्प बट ही डिड नॉट हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए परंतु उसने उसकी मदद नहीं की। बिफोर टेलिंग द पर्पज ऑफ हिज विजिट, अपनी विजिट का पर्पज बताने से पहले लोमो इज एक्साइटेड वंस अगेन, दोबारा से अत्यधिक उतावला हो जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, उसमें घबराहट आ जाती है। शुभको थिंक्स दैट परहैप्स ही हैज कम टू आस्क फॉर ए लोन, अब शुभको है वो आइडिया लगाता है, सोचता है अपने मन में शायद ये पैसे उधार मांगने आया है, ऋण लेने आया है, कर्ज लेने आया है। ही मेक्स अप हिज माइंड नॉट टू हेल्प हिम इन एनी वे, और वह अपने दिमाग में सोचता है कि वो बिल्कुल उसको पैसे नहीं देगा, उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला है। लोमो वंस अगेन begins to tell Shubhko about the purpose of his visit. लोमो फिर से थोड़ा अपने आप को शांत करता है और शुरू करता है Shubhko को बताना कि वो वहाँ पर किस लिए आया है। But he once again becomes excited. और फिर से excited हो जाता है, बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। He talks about himself in exaggerated terms. वह अपने बारे में बातें करता है थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके बताने में। शुभको आस्क हिम नोट टू बीट अबाउट द बुश, शुभको उसे कहता है कि इधर उधर की बातें मत करो, बीट अबाउट द बुश एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब क्या है, इधर उधर की हांकना। तो शुभको उसे सीधा कहता है कि तुम इधर उधर की बातें मत करो, एंड टू टॉक अबाउट हिज पर्पज ऑफ कमिंग, और सीधी सीधे बताओ कि वहाँ पर क्यों आया है, क्या काम है, किस लिए आया है। लोमो गैदर्स कारेज and tells him that he has come to ask for his daughter Natalia's hand in marriage. अब लोमो अपना साहस बटोरता है, अपनी हिम्मत बांधता है और बताता है उसे कि वह वहाँ पर आया है उससे उसकी बेटी नातल्या का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए, मीन्स उसकी बेटी नातल्या से वह शादी करना चाहता है और ये बात पूछने के लिए वो यहाँ पर आया है। On hearing this, Shubhko becomes very happy. और ये सुनकर के शुभको बहुत अधिक खुश हो जाता है। ही गोज इन टू कॉल नातल्या, और वह चला जाता है अंदर नातल्या को बुलाने के लिए। बट बिफोर दिस लोमो आस्क हिम वेदर नातल्या वुड गिव हर परमिशन फॉर दिस, परंतु इससे पहले लोमो है वह शुभको से पूछ लेता क्या नातल्या इस बात के लिए तैयार होगी, अपनी परमिशन, अपनी सहमति देगी। शुभको रिप्लाइज दैट शी विल रेडिली एक्सेप्ट ए मैच लाइक हिम, और शुभको उत्तर देता है कि वह बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाएगी उसकी तरह का मैच देख करके, दूल्हा देख करके बिल्कुल शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। लोमो इज लेफ्ट अलोन इन द रूम, अब शुभको उसको छोड़ करके चला जाता है, लोमो रूम में अकेला बैठा है। हिज बॉडी इज ट्रेमलिंग विद एक्साइटमेंट, उसका शरीर है वो कांपने लग जाता है उत्तेजना से। ही थिंक्स अबाउट हिज प्रेजेंट लाइफ, वह अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोचता है। ही वॉन्ट्स टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ हिज मैरिज एट वंस,
और जो उसकी शादी का पर्सन है, शादी की बात है, वह चाहता है कि वो फटाफट सेट हो जाए। ही थिंक्स दैट नाउ ही शुड नॉट डिले, वह सोचता है कि अब वह ज़्यादा देरी नहीं करेगा। किस चीज़ में? शादी की बात करने में, शादी करने में। उसे अब जल्दी लगी है कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। ही थिंक्स अबाउट नातल्या, वह नातल्या के बारे में सोचता है। शी इज ए स्किल्ड हाउस कीपर, वह एक बहुत ही कुशल गृहिणी है। शी इज एजुकेटेड एंड इज नॉट बैड टू लुक एट, वह शिक्षित भी है और दिखने में भी बुरी नहीं है। मीन्स शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को और क्या कह सकते हैं, नॉट बैड टू लुक एट, दिखने में बुरी नहीं है, मीन्स क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। एट दिस एज ही शुड नॉट एक्सपेक्ट ए बेटर गर्ल देन हर, और इस उम्र में उसे नातल्या से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, ऐसा वह उम्मीद करता है, होप है उसे, वह सोचता है, अपने मन मन में विचार कर रहा है, कौन? लोमाओ। नाउ ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, अब वह 35 साल का हो गया है। नाउ ही शुड लीड ए रेगुलेटेड लाइफ, अब उसे व्यतीत करना है एक बहुत ही नियमित जीवन। ही इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज लाइक पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट एंड इंसोमेनिया, वह बहुत ही गंभीर बीमारियां उसे हैं, जैसे कि पल्पिटेशन है, दिल की धड़कन का बढ़ना है, उत्तेजना है, और नींद की बीमारी है, नींद नहीं आने की बीमारी है उसे। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ही शुड मैरी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से वह शादी करना चाहता है, उसे शादी करनी ही होगी। जस्ट देन नातल्या कम्स इन, ऐसा सोचते सोचते लोमो बैठा है, उसी टाइम नातल्या अंदर आ जाती है। हर फादर हैज़ नॉट टोल्ड हर दैट लोमो हैज़ कम टू मीट हर, और उसके पिता ने नातल्या को नहीं बताया था कि लोमो उसे मिलने के लिए वहाँ पर आया है। ही ओनली टोल्ड हर दैट ए कस्टमर हैड कम, केवल नातल्या के पिता ने उसे बताया था कि एक ग्राहक आया है। इवन देन शी वेलकम्स लोमो, फिर भी वह लोमो का वेलकम करती है। बिफोर लोमो कैन स्पीक शी स्टार्ट स्पीकिंग, इससे पहले कि लोमो कुछ बोल पाता वह बोलना शुरू कर देती है। When she mentions his beautiful dress, जब वह कहती है कि उसकी ड्रेस सुंदर है, किसकी ड्रेस सुंदर है, लोमो की, he is again excited, वह फिर से उतावला हो जाता है। Before he can talk about his marriage to her, इससे पहले कि वह अपनी शादी की बात उसे कर पाता, he starts trembling, उसने कांपना शुरू कर दिया था। Natalia encourages him and he recovers, नातल्या अब उसको उत्साहित करती है, उसकी तारीफ करती है, और वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ही सेज दैट ही विल टेल हर एवरीथिंग इन ब्रीफ, और वह कहता है कि वह उसे हर बात शॉर्ट में बताएगा, संक्षेप में बताएगा। इवन देन ही कैन नॉट टॉक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, फिर भी वह सीधे सीधे नहीं बोल पाता है, जो काम, जो प्रपोजल वो लेकर गया था वो नातल्या के सामने नहीं रख पाता है। He beats about the bush, वह फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है। He tells her that for the last many decades their families have had good relations, वह नातल्या को बताता है कि पिछले कई दशकों से उनके परिवारों के बीच में, मीन्स लोमो के परिवार और नातल्या के परिवार के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे वो पड़ोसी रहे हैं, उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। Their estates आर ऑल्सो adjoining, और जो उनके इस्टेट्स हैं, हाँ, प्रॉपर्टी है, खेत खलियान है, वो भी एक दूसरे के नज़दीक है। हिज ऑक्शन मीडोज टच देयर बिर्च वुड्स, अब वो क्या कहता है, हिज ऑक्शन मीडोज, हिज किसके लिए है यहाँ पर, लोमो के लिए, कि जो लोमो के ऑक्शन मीडोज हैं, जो प्रॉपर्टी है, ऑक्शन मीडोज नाम की जो जगह है, वह टच करती है, वह साथ में लगती हुई है, किसके, उनके, यहाँ पर देर किसके लिए, नातल्या फैमिली के लिए, उनके बिर्चवुड नाम की जगह से। नातल्या प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, अब नातल्या इसके खिलाफ बोलती है। शी सेज दैट द ऑक्शन मीडोज बिलोंग टू हर, और क्या कहती है कि जो ऑक्शन मीडोज हैं वो तो उनके हैं। बोथ ऑफ देम ले देयर क्लेम्स टू इट, अब दोनों क्या करते हैं, दावा करते हैं किसके लिए, टू इट, जो प्रॉपर्टी है ऑक्शन मीडोज की है उसके ऊपर। नातल्या इस बात पर अड़ जाती है कि उनकी प्रॉपर्टी है, और लोमो इस बात पर अड़ जाता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है।
they start quarreling about the ownership of the auction meadows. जो ऑक्शन मीडोज जगह है, प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप के ऊपर, मालिकाना के ऊपर, हक के ऊपर झगड़ा उनमें शुरू हो जाता है. दे शाउट लाउडली एट ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर तेज तेज चीखते हैं. दे डू नॉट काम डाउन इन एनी वे, किसी भी तरह शांत नहीं होते हैं. दोनों झगड़ते हैं तेज तेज आवाज़ में, आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं. किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए. ऑक्शन मीडोज जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर झगड़ रहे हैं. शुभको कम्स इन एंड फाइंड्स देम बोथ क्वारलिंग. शुभको अंदर आता है, देखता है दोनों झगड़ रहे हैं. कौन है दोनों यहाँ पर? नतल्या एंड लोम्बाव. ही इज ग्रेटली सरप्राइज्ड. अब यहाँ पर ही कौन है? शुभको. शुभको को बड़ा आश्चर्य होता है कि झगड़ क्यों रहे हैं. बट वेन ही फाइंड्स दैट दे आर क्वारलिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ द ऑक्शन मीडोज. परंतु जब उसे पता चलता है, जब शुभको को पता चलता है कि वो झगड़ा कर रहे हैं ऑक्शन मीडोज की ओनरशिप के ऊपर, ही ऑल्सो बिकम्स एंग्री. वह भी गुस्से में आ जाता है. इंस्टेड ऑफ कामिंग देम डाउन, उनको शांत कराने की बजाय, ही ऑल्सो स्टार्ट्स क्वारलिंग. वह भी झगड़ना शुरू कर देता है. ही क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ द मीडोज. और अब वह दावा करता है कि वह मालिक है उन मीडोज का, उन चारागाहों का. ही इंसल्ट्स नॉट ओनली लोमाउ बट ऑल्सो हिज फैमिली मेम्बर्स. अब वह बेइज्जती करता है ना केवल लोमाउ की परंतु उसके पूरे परिवार की, उसके परिवार के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देता है. किसके परिवार के खिलाफ कौन बोलता है? शुभको बोलता है लोमाउ के परिवार के खिलाफ. लोमाउस पाल्पिटेशन इनक्रीजेस. अब जो लोमाउ की पाल्पिटेशन है, दिल की धड़कन है, वो बढ़ जाती है. एंड ही बिकम्स वेरी परटर्बड. और बहुत ही हताश उदास गुस्से में आ जाता है. ही गोज आउट ऑफ द रूम. वह कमरे से बाहर निकलता है. शुभको सेज हाउ द फूलिश लोमाउ डेयर टू ब्रिंग ए प्रपोजल फॉर नतल्याज मैरिज. अब शुभको कहता है कि कितना मूर्ख लोमाउ है जिसने, उसने साहस किया कि वह प्रपोजल लेकर के आया, शादी का प्रस्ताव लेकर के आया नतल्या की शादी के लिए. वेन नतल्या हियर्स दिस. और जब नतल्या ने ये सब सुना कि वो शादी का प्रस्ताव लाया था, शी इज डीपली शॉक्ड. उसे क्या लगता है? सदमा लगता है गहरा. शी इज ऑलमोस्ट अनकॉन्सियस. वह क्या हो जाती है? लगभग बेहोश हो जाती है. शी स्टार्ट्स वीपिंग एंड आस्क्स हर फादर टू ब्रिंग लोमाउ बैक. वह क्या करती है? रोना शुरू कर देती है और अपने पिता से कहती है कि वो लोमाउ को वापिस लाए. शुभको फील सैड. शुभको बहुत उदास हो जाता है. ही सेज दैट इट इज द बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून टू बी द फादर ऑफ ए गर्ल. अब शुभको कहता है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है एक पिता, एक बेटी का पिता होना. ही गोज आउट टू कॉल लोमाउ. और वह लोमाउ को बुलाने के लिए बाहर जाता है. लोमाउ अगेन एंटर्स द रूम. अब लोमाउ दोबारा से कमरे में आता है. नतल्या थिंक्स दैट सी विल नॉट अनॉय हिम दिस टाइम. अब नतल्या सोचती है कि इस बार वह उसे गुस्सा नहीं दिलाएगी. सी ट्राइज टू प्लीज हिम. प्लीज मीन्स क्या है पर? खुश करना, टू मेक हैप्पी. वह कोशिश करती है कि उसको खुश करे. सी सेज दैट द मीडोज बिलोंग टू हिम. वह कहती है कि जो मीडोज हैं वो उसके हैं. सी ट्राइज टू चेंज द टॉपिक सो दैट ही कुड प्रपोज टू हर. वह कोशिश करती है टॉपिक को बदलने का, विषय को बदलने का, ताकि वह उसको प्रपोज कर सके, उसे के सामने शादी का प्रस्ताव रख सके. बट ही इज स्टिल नॉट ऑल राइट. परंतु वह अभी ठीक नहीं है. ही इज फीलिंग डिस्टर्ब. वह बहुत ही परेशान महसूस कर रहा है. ही डज नॉट कम टू द पॉइंट. वह सीधी बात पर नहीं आता है. मीन्स जो उसे कहना है वह नहीं कहता है. लोमाउ स्टार्ट्स प्रेजिंग द क्वालिटीज ऑफ द डॉग गैस. अब लोमाउ किस बात पर शुरू हो जाता है? बात करना शुरू कर देता है जो डॉग है उसका गैस, उसकी जो गुण है, क्वालिटीज हैं, उनकी तारीफ करना शुरू कर देता है. विच ही हैज़ परचेज फॉर 125 रूबल्स. जिस डॉग को उसने खरीदा 125 रूबल्स में, रूस की करेंसी है ये. बट नतल्या सेज दैट हर डॉग स्क्वीजर विच ही परचेज्ड फॉर 85 रूबल्स इज मच बेटर देन लोमाउस डॉग गैस. परंतु नतल्या वो भी कहती है कि जो उसका डॉग स्क्वीजर है जिसको उसने केवल 85 रूबल्स में ख़रीदा,
वो ज़्यादा अच्छा है लोमो के डॉग गैस की बजाय। बोथ ऑफ देम प्रेज द क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग्स, दोनों अपने अपने डॉग्स की क्वालिटीज़ हैं उनको उनकी तारीफ करते हैं, उनको बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। नाउ दे स्टार्ट क्वारलिंग ऑन दिस टॉपिक, अब झगड़ा इस बात पर शुरू हो जाता है डॉग्स की क्वालिटीज़ को लेकर के। दे अगेन स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। इन द मीन टाइम शुभको कम्स, और इसी दौरान शुभको अंदर आ जाता है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन एंड टू देयर क्वार, ही ऑल्सो स्टार्ट्स क्वारलिंग, अब फिर दोबारा से उनके झगड़े को ख़त्म करने की बजाय वह भी झगड़ना शुरू कर देता है। कौन है ये वह? शुभको, नतल्यास फादर। इन दिस डिस्प्यूट लोमोस कंडीशन डिटेरियरेट्स, और इस परिस्थिति में लोमो की जो स्थिति है वो बदतर हो जाती है, गिर जाती है उसका स्वास्थ्य। एंड ही फॉल्स ऑन द चेयर, और चेयर पर गिर जाता है, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। बोथ द फादर एंड द डॉटर थिंक दैट ही हैज़ डाइड, अब पिता और बेटी दोनों सोचते हैं कि वह मर गया है। नतला स्टार्ट्स लेमेंटिंग दैट हर चांस टू गेट ऑफ गेटिंग मैरिज हैज़ गोन, अब नतल्या है वह रोना पछतावा शुरू कर देती है कि उसका जो शादी करने का मौका मिला था वो गया, अब उसकी शादी नहीं होगी। आफ्टर सम टाइम लोमो कम्स टू हिज सेंसेस, थोड़ी देर बाद लोमो को होश आ जाता है। शुभको टेल्स लोमो दैट नतल्या इज विलिंग फॉर मैरिज, शुभको लोमो को कहता है कि नतल्या तुमसे शादी करना चाहती है, सो ही शुड मैरी हर, इसलिए उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। नतल्या एक्सप्रेसेस हर विलिंगनेस, नतल्या भी अपनी इच्छा जाहिर करती है। शुभको डज नॉट वॉन्ट टू लूज इवन ए मोमेंट एंड जॉइंस देयर हैंड्स, शुभको एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता है और उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है। ही आस्क देम टू किस इच अदर, अब वह कहता है कि वो एक दूसरे को किस करें। बट सून दे स्टार्ट क्वारलिंग अगेन, परंतु वे दोबारा से झगड़ा शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट डिबेटिंग द क्वालिटीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डॉग्स, फिर से वो जो डॉग्स की क्वालिटीज थी उसके ऊपर वाद विवाद शुरू कर देते हैं। शुभको ट्राइज टू काम देम डाउन, शुभको उनको शांत करता है। विद दिस द प्ले कम्स टू एन एंड, और इस तरह से प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्ले में मेन थीम जो राइटर है वो हमें बताना चाहता है कि जो रिच फैमिलीज हैं वो शादियाँ भी रिच फैमिलीज में करना चाहती हैं ताकि जो उनकी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो बढ़ सके। ये मेन बात राइटर यहाँ पर बताना चाहता है कि जो लोमो है वो भी क्या है, रिच है, और नतल्या की फैमिली भी रिच है, और दोनों आपस में शादी इसलिए करना चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी और अधिक बढ़ सके। तो राइटर यहाँ पर जो मैसेज है या जो मेन थीम है वो यही है कि रिच फैमिलीज वांटेड टू मैरीज अमंग रिच बिकॉज दे वांट, दे थिंक दैट बाय डूइंग सो दे कैन इन्हेंस देयर वेल्थ, उनका सोचना है कि ऐसा करके वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द समरी ऑफ द प्ले द प्रपोजल, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।